अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फराशस कुकिंग चैनल। आज मैं जूसी फूड चाट बनाने लगी हूँ और इसका ख्याल मुझे तब आया जब मेरा कार फोर चक्कर लगा और वहाँ पर वेरिएंट्स ऑफ वैरायटी थी फ्रूट्स की। सो आई थॉट कि क्यों ना फ्रूट चाट बनाई जाए, बिकॉज रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ क्रॉनिक और हार्ट डिज़ीज़। और देखें यहाँ पर आपको किस कदर वैरायटी नज़र आएगी एप्पल्स में, और इसके साथ ही साथ बनानास थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो भी फ्रूट वॉट एवर यू लाइक, तो वो आप अपनी पसंद के जो फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं अपनी फ्रूट चाट के लिए। ये देखें खूबसूरत से छोटे छोटे से पम्पकिंस हैं, और ये छोटा सा मैं आपको भी मैजिक दिखाने लगी हूँ। ये मैंने रखा पम्पकिन और ये इट कन्वर्टेड इनटू ब्यूटीफुल पम्पकिन। अच्छा जी, यहाँ पर है पाइनएप्पल, और इस यहाँ पर पाइनएप्पल की ख़ास बात यह है कि ये आपको फ्रेश पाइनएप्पल जो है वो कट करके देते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोसीजर जिस तरीके से ये काटते हैं और जिस तरीके से ये आपको पैक करके देते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। सो आई ऑलवेज बाय पाइनएप्पल फ्राम दिस प्लेस, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वेरी जूसी वेरी फ्रेश। सो आई रिकमेंड कि आप इस तरह का पाइनएप्पल ज़रूर ट्राई किया करें, ये आपको कारफोर में आराम से मिल जाएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए थे एप्पल्स और उनको देखे मैंने क्यूब्स में काटा। एंड आफ्टर दैट आई विल टेक कीवी। इनकी क्वांटिटी जो है वो आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली कटिंग होनी चाहिए, खूबसूरत लगते हैं। एंड दीज आर ग्रेप्स, इनको मैंने हाफ कट कर लिया था। और ये रहा खूबसूरत सा ड्रैगन फ्रूट विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड इट्स वेरी इजी टू कट। ये देखें इट्स वेरी इजी एंड आराम से पील ऑफ हो जाता है। इसको भी मैं क्यूब्स में ही काट लूँगी। आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं इसके अंदर, आप इसमें गावा डाल सकते हैं, आप इसमें जो भी आपको फल पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये रहा मज़ेदार पाइनएप्पल, बहुत ही जूसी फ्रेश और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। एंड इट ऑल्सो गुड फॉर डाइट एज वेल, अगर आप डाइट कर रही हैं डाइट पर्पज़ के लिए भी दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। इसको भी क्यूब्स में करके मैं डाल दूँगी अंदर। फ्रूट्स बहरहाल आपको हर तरह की बीमारी से बचाते हैं, सो बनाते रहा करें फ्रूट्स, अपनी पसंद के फ्रूट्स लेके उनसे ज़रूर फ्रूट चाट बनाया करें और ख़ुद भी खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ। इसके बाद मैंने इसमें डाला है पोमीग्रेनेट, ये, और फिर मैं डालूंगी इसमें बनाना। सो अब इसमें हम थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करेंगे, और मैंने सबसे पहले लिया है चाट मसाला थोड़ा सा, और मैं इसमें डालूंगी खुबानी और इमली की चटनी। इस चाट मसाले के साथ मैं इसको मिक्स करूंगी, एक मज़े की सॉस जैसी बन जाएगी, ये देखें। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है नमक, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रूट्स का अपना टेस्ट बहुत ही रिच होता है, सो इसमें ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है सच। और चीनी भी मैंने कम रखी थी, क्योंकि चीनी भी मैं इसलिए ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि अब मैं डालने लगी हूँ ये जूस, तो जूस ऑलरेडी स्वीट होता है तो वो ओवर स्वीट हो जाएगी आपकी फ्रूट चाट। सो बस मैंने मुनासिब सा ही मीठा रखा था ताकि वो बैलेंस हो जाएगा इस जूस के साथ। ये देखें मज़ेदार फ्रूट चाट तैयार है, इसको ज़रूर ट्राई करें इसी रेसिपी के साथ, इन्हीं फ्लेवर्स के साथ। यू वुड लव इट। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हेल्दी खाइए और हेल्दी लाइफ स्पेंड कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।